योगी राज में अव्यवस्थाओं की आई बाढ़। कोरोना वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही आई सामने। लापरवाही पर सरकार एक बार फिर सवालों से घिरी। अगर आप लगवाना चाहते हैं वैक्सीन तो हो जाइए सावधान, आपके हिस्से का टीका कहीं और हो सकता है ट्रांसफर। आपके हक को किसी और को किया जा रहा है आवंटित। उत्तर प्रदेश के रामराज में बद इंतजामी का दिख रहा बोलबाला। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उन हालातों ने सरकार की जमकर फजीहत करवाई है। और अब एक बार फिर एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने सरकार को फिर से सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है। हालात ये हैं कि अब सरकार को समझ नहीं आ रहा कि जो सवाल किए जा रहे हैं उनके जवाब कैसे दिए जाएं। वहीं एक के बाद एक हो रही लापरवाही पर विपक्ष सरकार की ऐसी की तैसी करने में लगा है। और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि योगी राज में जो हो जाए वो कम ही है। अब वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही ने सरकार की पोल खोल दी है, साथ ही लोगों को भी परेशानी में डाल दिया है। आपको पता ही होगा कि कोविड के टीके के वायल जिले के एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक नहीं जा सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कुछ ऐसा कर दिया कि कोरोना का टीका आया तो अलीगढ़ के लिए, लेकिन वैक्सीन की पूरी खेप नोएडा पहुंच गई। इस खुलासे के बाद वैक्सीनेशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करने वाली योगी सरकार की भी पोल खुल गई। ये हालात यूपी में तब है जब स्वास्थ्य विभाग के सरकारी दस्तावेजों में रोजाना इन टीकों की ऑडिट होती है। बावजूद इसके नोएडा की जेपी ग्रीन सोसाइटी में अलीगढ़ जिले को आवंटित की गई टीकों की बड़ी खेप लगा दी गई। इस पूरे मामले पर नोएडा और अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी है। सवाल ये कि क्या वास्तव में कोई एक बड़ा रैकेट है जो अधिकारियों की मिली भगत से टीकों का हेर फेर कर रहा है। सवाल ये भी कि जो टीके स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में लगाए जाने चाहिए वो एक व्यक्ति के घर पर कैसे लगाए जा रहे हैं। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या हकीकत में इन टीकों में जीवन रक्षक दवा ही है। मामला नोएडा की जेपी ग्रीन सोसाइटी का है। यहाँ मई के अंतिम सप्ताह में लगाए गए टीकों को लेकर बहुत सवालिया निशान उठ रहे हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने नोएडा के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि दरअसल इस सोसाइटी में जो टीके लगाए गए वो सभी टीके अलीगढ़ के थे। यही नहीं, नोएडा में ये टीके जिस तारीख को लगे और जो टीका लगवाने के बाद प्रमाण पत्र दिया गया उस पर भी तारीख अलग है। टीकाकरण का स्थान नोएडा के जेपी ग्रीन सोसाइटी की जगह पर अलीगढ़ के नौरंगाबाद पीएचसी का दिया गया है। जेपी सोसाइटी में रहने वाले रिटायर्ड आईएएस और भारत सरकार में पूर्व संयुक्त सचिव रहे शंकर अग्रवाल कहते हैं कि टीकाकरण को लेकर मंशा किसी की भी हो और कुछ भी हो, लेकिन ये कैसे संभव है कि अलीगढ़ की वैक्सीन बगैर किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की देखरेख में नोएडा के जेपी ग्रीन सोसाइटी में लगा दी गई। इस पूरे मामले में जब नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक को फोन किया गया तो उन्होंने अपना फोन अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित को पकड़ा दिया गया। डॉक्टर दीपक से जब अलीगढ़ की वैक्सीन को नोएडा में लगाने के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना है कि ऐसा संभव ही नहीं कि अलीगढ़ की वैक्सीन नोएडा में लग जाए। वो कहते हैं कि एक एक वैक्सीन का रोजाना ऑडिट होता है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि अलीगढ़ की वैक्सीन नोएडा की किसी सोसाइटी में लगा दी जाए। जब उन्हें सबूत के साथ इस बात की जानकारी दी गई कि ऐसा हुआ है तो वो कहने लगे कि इस मामले में उनका सीधा कोई रोल नहीं है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इसकी देखरेख जिला टीकाकरण अधिकारी करते हैं। अलीगढ़ की वैक्सीन नोएडा में कैसे लगी इसे अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह कल्याण सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं। हालांकि उनका तर्क था कि नोएडा के लोग अलीगढ़ में आकर अगर टीका लगवा गए हैं तो उन्हें मिलने वाले प्रमाण पत्र पर नौरंगाबाद सीएचसी का ही स्थान दर्ज होगा। उनको जब ये बताया गया कि सोसाइटी के लोग तो अलीगढ़ आए ही नहीं तो उन्हें प्रमाण पत्र कैसे अलीगढ़ का मिल गया, उस पर उनका कहना था कि अब वो इस मामले में जांच करवाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। इस कैंप का आयोजन करने वाले जेपी ग्रीन सोसाइटी के शुभ गौतम से संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन बंद था। शुभ गौतम को मैसेज भी भेजा गया लेकिन शाम तक कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में सोसाइटी के लोग फर्जीवाड़ा और नकली इंजेक्शन लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रोज ऑडिट हो रहा है तो फिर ये संभव कैसे हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।